दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कभी बंद होने की कगार पर थी, टाटा ग्रुप की एक कंपनी तनिष्क। आज टाइटन को दे रही है संजीवनी। HMT को पीछे छोड़ कैसे बनी देश की नंबर वन ब्रांड। टाइटन की घड़ियों ने कैसे छोड़ा देश की सरकारी कंपनी HMT को पीछे। तनिष्क फेल हो गया था और एक आइडिया जिसने पलटी बाजी। दोस्तों आइए जानते हैं वो आइडिया क्या था। कभी बंद होने के कगार पर थी तनिष्क, आज टाइटन को दे रही है संजीवनी। देश के ज्वेलरी सेगमेंट का प्रतिष्ठित ब्रांड तनिष्क का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। टाइटन की यह कंपनी कभी बंद होने के कगार पर थी, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज यही कंपनी टाइटन का संजीवनी बन चुकी। दोस्तों हम पहले ही टाइटन को अपना चुके हैं। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी टाइटन की घड़ियां पहनी होंगी और हमारे माता पिता ने भी। लेकिन यह कहानी किसी घड़ी यात्रा के बारे में नहीं है। यह कहानी एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिसने ज्वेलरी व्यवसाय में कदम रखा और आज इसका ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क कंपनी के राजस्व का लगभग 80% हिस्सा है। दोस्तों जब जेसर्स देसाई ने नांग्या की जगह भास्कर भट्ट को चुना, मई सन 2000 की बात है, जब टाइटन के प्रबंध निदेशक जेसर्स देसाई कंपनी के भविष्य के बारे में सोचने में लीन थे। वह लंबे समय तक अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में थे, लेकिन कंपनी का नेतृत्व करने के लिए एक लीडर का चयन करना था कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अंत में अपनी पसंद को 2 तक सीमित कर दिया। और भास्कर भट्ट जो एक IIM अहमदाबाद से थे, जिनके पास कई डिवीजनों में काम करने का अनुभव था, दूसरी ओर IIM कलकत्ता ग्रैंड बसंत नांगिया तनिष्क के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट जेसर्स ने बहुत विचार विमर्श के बाद भारत की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए भास्कर भट्ट को चुना। नांगिया के COO के रूप में पदभार संभालने के लिए कहा गया था। दोस्तों आपको बता दें, जब ये फैसला हुआ तो तभी टाइटन के पूरी बिक्री व विपणन टीम ने दे दिया था इस्तीफा। टाइटन के MD के फैसले के बाद जब नांगिया ने इस्तीफा दे दिया तो उस दिन पूरी बिक्री और विपणन टीम ने इस्तीफा दे दिया। जो हुआ उसने कंपनी को जड़ से हिला दिया। कई लोगों का मानना था कि टाइटन के ज्वेलरी कारोबार को बंद करने का यह अंतिम चरण है, लेकिन किसे पता था कि यही वो आइडिया है जिससे टाइटन की किस्मत चमकेगी और ये देश की नंबर वन ब्रांड और ज्वेलरी के लिए जानी जाएगी। कंपनी उस समय घाटे के 5वें स्थान में थी और बाकी इतिहास है। भास्कर भट्ट ने एक नई और बेशक अनुभवहीन टीम के साथ तुरंत नियंत्रण पर कब्जा कर लिया, डूबते जहाज को स्थिर किया, घाटे में चल रही तनिष्क को एक लाभदायक कंपनी में बदल दिया। उन्होंने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया और भारत के सबसे बड़े जौहरी बन गए। दोस्तों मैनेजमेंट को सुधारने का यही वो आइडिया था जिसने तनिष्क को फेल होने से बचाया। टाइटन कंपनी की पहचान आज भले ही तनिष्क और इंडियन और वेस्टर्न लुक वाले गहनों से है, लेकिन कभी यह केवल घड़ियां बनाया करती थी। इसे शुरू ही किया गया था घड़ियां बनाने के लिए, लेकिन जरा डिफरेंस के साथ। 1984 में टाइटन की शुरुआत हुई। उन दिनों इसका नाम टाइटन इंडस्ट्रीज हुआ करता था। टाइटन ग्रुप और तमिलनाडु सरकार इसे मिलकर शुरू किया। 1987 में टाइटन की घड़ियां पेश की गई। उन दिनों HMT की घड़ियों का जलवा था, लेकिन टाइटन के सामने सरकारी कंपनी फीकी पड़ने लगी। बाद में दूसरी कई वजहों से HMT पिछड़ती चली गई। दरअसल टाइटन की घड़ियों में उन दिनों एक बड़े डिफरेंस वाला पहलू था। डिजाइन तो बेहतर थे ही, घड़ियां बिल्कुल क्वार्टज टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही थी। सब कुछ चकाचक चल रहा था, लेकिन तभी देश की दशा दिशा बदलने लगी और उसके साथ ही टाइटन ने भी एक नई राह पकड़ ली। दोस्तों भारत के पहले रिटेल ज्वेलरी ब्रांड का जन्म 1984 में हुआ। नाम रखा गया तनिष्क। कुछ लोग कहते हैं कि यह नाम तन और इश्क दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया। तनिष्क में टाटा का नाम हो या तन से इश्क की बात सोची गई हो, जो भी हो आगे चलकर इस ब्रांड से भारत के लोगों को बेपनाह इश्क होने वाला था। लेकिन वह इश्क ही क्या जिसकी राह में आग का दरिया न हो।
दोस्तों आपको बता दें, तनिष्क का पहला शोरूम 1996 में चेन्नई में खोला गया। 18 कैरेट गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी लॉन्च की गई। शानदार वेस्टर्न और इंडियन डिजाइन लकदक शोरूम करीने से शोकेस की गई। ज्वेलरी संगीत की महम लहरों के बीच पूरी नफासत के साथ ज्वेलरी दिखाता स्टाफ भारतीय ग्राहकों के सामने मानो एक परीलोक पेश कर दिया गया। परियों की दुनिया, लेकिन इसकी तो आदत ही नहीं थी। भारतीय ग्राहकों को अधिकतर लोग स्टोर में घुसने से पहले ही अपने परंपरागत ज्वेलरी की ओर मुड़ जाते। तनिष्क के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। यह मुश्किल उसने खुद चुनी थी। लोग 22 कैरेट गोल्ड के गहनों के आदि थे। जन्म से लेकर शादी तक तमाम शुभ अवसरों पर गहने बनवाए और गिफ्ट किए जाते थे। ज्यादातर लोग ऐसे मौके के लिए 18 कैरेट गोल्ड के गहने पसंद नहीं करते थे। गोल्ड वैसे भी भारतीयों का परंपरागत निवेश रहा है, ऐसे में भी 18 कैरेट पर दाव नहीं लगाते। दोस्तों यही कहानी थी जिसने टाइटन को बनाया तनिष्क। तनिष्क बना देश का नंबर वन ब्रांड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने इस वीडियो में जाना कि एक अच्छा मैनेजमेंट एक डूबती हुई कंपनी को भी उभार सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।